आज के डेट में साइंटिफिक रिसर्चेस में ये अब देखा गया है कि सेक्सुअल मेटिंग एट अर्ली टीन से काफ़ी लेवल का डिप्रेसिव बिहेवियर आज के यूथ में पाया गया है। द साइजेस ऑफ दीज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वॉज फाउंड वेरी स्मॉलर ड्यू टू द इंडल्जेंस ऑफ अर्ली सेक्स among the teens. The indulgence in early sex during adolescence or early teenage sex is not considered as a good practice, as it could affect adversely the development of the brain. Sounds surprising? Yes. The scientific research has also observed the same things. आज के डेट में scientific researches में ये अब देखा गया है कि सेक्सुअल मेटिंग एट अर्ली टीन से काफी लेवल का डिप्रेसिव बिहेवियर आज के यूथ में पाया गया है। द रिसर्च स्टडीज फ्रॉम ओयो स्टेट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन में भी स्पेसिफिकली कहा गया है कि अर्ली टीन जो सेक्सुअल डिजायर की वजह से तो ब्रेन में रेलिवेंट चेंजेस पाया गया है और यहां तक कि ऐसे युवाओं के जो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज का भी जो प्रॉपर ग्रोथ होना चाहिए वो ग्रोथ नहीं हो पाता है। और एक रिसर्च हुआ जिसमें चूहे की एक विशेष प्रजाति जिसे हम हैमस्टर्स कहते हैं उसके दो ग्रुप्स बनाए गए। एक ग्रुप में वैसे चूहे वैसे हैमस्टर्स को रखा गया जिसकी उम्र 40 दिन की थी और दूसरे ग्रुप में ऐसे हैमस्टर्स को रखा गया जिसकी उम्र लगभग 80 दिन के करीब थी। नाउ बोथ द मेल्स फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स was brought to experience the sexual mating with the female counterparts, with the female hamsters. Now, after few sexual mating, when they were placed in water, the animals which were of the age of 40 days were more likely to stop swimming vigorously, which is a symptom of depressions. जितने भी हैमस्टर्स अर्ली एज में सेक्सुअल एक्टिव थे वो सभी में हाई लेवल ऑफ एंजाइटी भी ऑब्जर्व किया गया। सो द अर्ली टीन सेक्स हैज टू फेस हेवी कंसिक्वेंसेस। सच यूथ सोज लेस कॉम्प्लेक्सिटी इन द ब्रेन डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और बेसिकली कहा जाता है कि न्यूरॉन्स का जो एक्सटेंशन है वो डेंड्राइट है और वो डेंड्राइट ब्रांचेज ऑफ न्यूरॉन्स है जो अदर न्यूरॉन से मैसेजेस कलेक्ट करता है और ब्रेन के इंफॉर्मेशंस को वेरियस ऑर्गन्स तक ट्रांसमिट करता है। Not only this, it was also observed that seminal vesicle, which is a male gland which secretes the ejaculate, and the Vas Deferens, which is a tube which carries the sperm, where the sperm conductivity goes on smoothly, it was also found underdeveloped. The sizes of these male reproductive part was found very smaller due to the indulgence of early sex among the teens. So boys who had early sex has lower self-esteem. They shows the signs and symptoms of ADHD, that is what the attention deficit hyperactivity disorder. And not only this, they also had the poor relationship with their parents because they lose the communicative power, they lose the ability to convince the others. So due to the lack of awareness, our youth these days are demolishing their health, their mental fitness, their mental well-being and the agility by making themselves fall in the habit of early indulgence of sex. Then how to get rid all of this, out of this? See, our ancient wisdom has given more emphasis on celibacy, brahmacharya. ब्रह्मचर्य पालन हमारे वेदों में, हमारे संस्कृति में काफी गहराई से इम्फेसिस किया गया है इन चीजों पे. सिंस द ह्यूमन सिविलाइजेशन वाज फॉर्म्ड, दिस काइंड ऑफ नॉलेज वाज बीइंग इंजेक्टेड इन द यूथ इन द अर्लियर डेज. सो what are the benefits of celibacy? What exactly happens when a person practices the brahmacharya? एक ब्रह्मचर्य के पालन से एक युवान पीढ़ी की जो ऊर्जा है वो किस तरह से संचालित होती है, ये सेलिबेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है. नाउ द योगिक साइंस हैव मेड अ डीप स्टडी ऑफ दिस. अकॉर्डिंग टू द योगिक विजडम, द सेक्सुअल इंपल्स एंड द ह्यूमन एनर्जी व्हिच इग्नाइट्स और फ्यूल्स अप दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज, इफ दिस एनर्जी इज controlled and checked, then this energy can be converted into a refined subtle energy, refined subtle power, which is known as ojas. Ojas in Ayurveda is known as prana, which is the very basis for the life. ओज को प्राण और जीवन का आधार माना गया. हमारे शरीर में जो रोगों से लड़ने की जो नेचुरल पावर है वो ओज से ही मिलती है. एंड दिस ओजस क्रिएट द इम्यूनिटी सिस्टम. एक मानव के जीवन का जो सुख का अनुभव है, धैर्य, उत्साह और साहस, ये सब चीज ओज से ही बनता है. इसीलिए ओज को प्राण और जीवन का एक सॉलिड आधार माना गया है. ठीक इसके ऑपोजिट अगर हम ये देखें कि किसी यूथ के अर्ली टीन लाइफ में सेक्सुअल इंटेलिजेंस अगर हुआ हो या होता रहा हो, तो ऐसे शरीर में ओज का निर्माण, ओज का बनना संभव नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्रोध, चिंता, डर और शोक और मेनी मोर मेंटल डिसऑर्डर्स एंड मेंटल प्रॉब्लम्स डू अराइजेस. सो प्रैक्टिस ब्रह्मचर्य. ब्रह्म मीन्स हायर अवेयरनेस and acharya means to stay in. So let us cherish the life in awareness of the ancient wisdom. In my next video, I will let you know how to have the development of the sexual energies, how to transform that energies to get a more divine power in yourself, and by having that power you can be considered as the most successful individual in every walks of your life.